हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। लीवर आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ये आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, इसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ग्लूकोज है, उसको स्टोर करके रखता है। फैटी लीवर में क्या होता है, जो आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट है वो आपके लीवर में डिपॉजिट होने लगता है और आपका जो लीवर है उसका साइज़ इंक्रीज होने लगता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर जो है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ और दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आगे टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है सिंपल फैटी लीवर और दूसरा है नैश, यानी जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। पहले बात कर लेते हैं सिंपल फैटी लीवर के बारे में। सिंपल फैटी लीवर में आपका जो लीवर है उसमें फैट तो बढ़ेगा, फैट की जो मात्रा है वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो लीवर के सेल्स हैं वो डैमेज नहीं हुए होंगे। इसके साथ साथ आपको लीवर में इन्फ्लामेशन यानी सूजन नहीं हुई होगी। दूसरा जो टाइप है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का वो है नैश, मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, एक तो आपके लीवर में फैट यानी वसा बढ़ने के साथ साथ आपका जो लीवर है उसके सेल्स डैमेज होने लगते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगती है और वहाँ पे फाइब्रोस स्कारिंग होने लगती है। एक तो लीवर के सेल्स डैमेज होंगे, इसके साथ साथ आपको सिरोसिस ऑफ लीवर का खतरा बना रह सकता है और एडवांस स्टेजेस में आपको लीवर कैंसर तक डेवलप हो सकता है। सेकेंड जो टाइप है वो है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं उन लोगों में ये फैटी लीवर डेवलप होता है। जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तो हमारा लीवर आधे से ज़्यादा अल्कोहल को बॉडी से बाहर निकाल देता है, बट जो ये प्रोसेस होती है इसमें ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के टाइम पे कुछ हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में रह जाते हैं। तो होता क्या है, जब आप डेली बेसिस पे अगर अल्कोहल ले रहे हैं या हाई अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं ये भी डेली बनेंगे और ज़्यादा ज़्यादा बनेंगे। तो इससे आपका जो लीवर है वो डैमेज होगा, उसके सेल्स हैं वो डैमेज होंगे। सेल्स डैमेज होने की वजह से आपके लीवर में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होगी, आपका जो डिफेंस सिस्टम है मतलब जो आपकी इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे वीक होती रहेगी और जब भी आप अल्कोहल लेंगे तो आपको फिर पेट में दर्द जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। फैटी लीवर की डिजीज़ बहुत ही कॉमन हो चुकी है। देखा जा रहा है कि हर 4 में से कम एक व्यक्ति फैटी लीवर से सफ़र कर रहा है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें 25% लोगों को फैटी लीवर की डिजीज़ है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है ये सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन लोगों का अल्कोहल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें कि किन लोगों में फैटी लीवर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सबसे पहला है टाइप 2 डायबिटीज़, जिन भी लोगों को होती है उनमें फैटी लीवर देखा जा सकता है। दूसरा है अगर आप ओबेज हैं, अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो ऐसे लोगों में भी फैटी लीवर देखा जा सकता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन लोगों में भी फैटी लीवर डिजीज़ देखी जाती है। इसके साथ साथ जिन लोगों के खून में फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई हो, मतलब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आते हैं, उन लोगों में भी फैटी लीवर देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। आमतौर पर जो लीवर डिजीज़ होती हैं ये एसिम्टमैटिक होती हैं, मतलब इनमें कोई भी सिम्टम नहीं होता, ये एक साइलेंट डिजीज़ होती है। फिर भी कुछ कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके राइट साइड एब्डोमेन में अपर साइड जो है उनको हल्का सा पेन रहता है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको क्या करना है, एक तो आपको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करनी है। आप योगा कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर ओबेज हैं, अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना वेट कम करने की। अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें शामिल करें, जो भी फैटी चीज़ें हैं, जो भी फैट बढ़ाती हैं वो चीज़ें अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर है तो आपको अल्कोहल बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो आपकी लीवर डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर करती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम।
चेलिडोनिया हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया हो। इसके साथ साथ वो कंप्लेन करते हैं कि उनके राइट साइड काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, उनको डिस्कम्फर्ट फील करते हैं पेशेंट। पेशेंट जब भी फ्रेश होने जाते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि उनको हार्ड स्टूल पास हो रहा है, स्टूल जो है बहुत ही हार्ड है। इसके साथ साथ उनको नौशिया और वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है, जिसके बाद उनको वीकनेस फील होती है। जॉइंडिस यानी पीलिया होने के बाद भी जिन लोगों में फैटी लिवर डिजीज डेवलप हो गई हो, उन लोगों में भी चेलिडोनिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगली जो मेडिसिन है वो है कार्डिसेम। कार्डिसेम के पेशेंट जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनको लीवर रीजन में पेन हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट करती है डायरिया के साथ। मतलब कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कभी पेशेंट को डायरिया हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को वॉमिटिंग होती है जो ग्रीन कलर की होती है और एसिडिक फ्लूड होता है। मतलब इसके बाद पेशेंट कंप्लेन करता है कि जो उनकी फूड पाइप है उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है। अगली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी उनका पेट फुला फुला सा लग रहा है, भरा भरा सा लग रहा है और पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती हैं। इसके साथ साथ पेशेंट की जो कंप्लेन है वो इवनिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी पेशेंट स्टार्ची फूड कुछ भी लेगा तो उसके बाद पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। पेशेंट को क्रेविंग होती है हमेशा हॉट ड्रिंक्स की, गर्म कोई भी ड्रिंक हो उसकी, और मीठा खाने की उनको ज़्यादा डिज़ायर होती है। अगली जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं तो खाना खाने की थोड़ी देर बाद उनको खट्टी डकारें आ रही हैं, खाना ऊपर आता है और उनको वॉमिटिंग होती है। राइट साइड लीवर रीजन में पेशेंट कंप्लेन करता है कि उनको पेन हो रहा है। इसके साथ साथ जब भी पेशेंट गैस पास करेगा तो वो बहुत ज़्यादा स्मेली होगी, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल होगी उसमें। इसके साथ साथ जब स्टूल पास करके आता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, पेशेंट को वीकनेस होने लगती है। फॉस्फोरस के पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनके पेट में जलन हो रही है, जिसकी वजह से वो उनको क्रेविंग होती है हमेशा ठंडी चीज़ें खाने की। अगली जो मेडिसिन है वो है कल्केरिया काप। कल्केरिया काप ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जो फैटी यानी ओबेज हैं, उनके लीवर में काफ़ी ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया होता है। पेशेंट जब भी दूध लेगा तो पेशेंट की कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ पेशेंट को डिज़ायर होती है हमेशा बॉइल्ड एग लेने की। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, इसके साथ साथ एक्सेसिव स्वेटिंग होती है पेशेंट को। मोस्टली जो हेड वाला एरिया है उसमें पेशेंट को ज़्यादा स्वेटिंग होती है। लास्ट जो मेडिसिन है वो है नक्सफॉर्मिका। नक्सफॉर्मिका ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज डेवलप हुई हो। मतलब जिन लोगों को अल्कोहल लेने के बाद फैटी लिवर हो गया हो, उन लोगों में नक्सफॉर्मिका बहुत अच्छा काम करती है। नक्सफॉर्मिका के पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि खाना खाने की थोड़ी देर बाद उनको राइट साइड जो लिवर रीजन है वहाँ पे पेन हो रहा है, इसके साथ साथ उनको खट्टी डकारें आ रही हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है। पेशेंट दिन में 3 से 4 बार फ्रेश होने जाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को क्रेविंग होती है फैटी और स्पाइसी फूड की। आई होप फैटी लिवर के ऊपर ये जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे जुड़ी या किसी और बीमारी के बारे में जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thank you.